अरे भैया कितनी सुंदर, इसको व्यू देखो, ये व्यू है उसका। ओ माय गॉड, लो प्रॉपर ऑफ रोड चाहिए था ना अपने को इस गाड़ी के लिए, सेमी ऑफ रोड तो आ गया, ये देखो। गणपति बप्पा, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग अभी एक्चुअली निकले हैं एक जगह के ऊपर जहाँ जिसका नाम है कास पठार, महाराष्ट्र में सातारा के पास ये एक जगह है। और सुबह डिसाइड हो गया, 15 मिनट्स में हमने डिसाइड कर लिया क्योंकि आज है सैटरडे और कुछ करने के लिए है नहीं। कल है मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका, तो आज कुछ है नहीं और काम भी नहीं है, तो हमने सोचा यार कुछ तो करते हैं। 15 मिनट्स में हमने डिसाइड किया कि कहाँ चलते हैं, तो यू नो 300-400 किलोमीटर्स का ऐसा राइड हो जाके आके, सो कहाँ चलना चाहिए, तो हमने डिसाइड किया कास पठार। मैं दोस्तों के साथ 2-3 बार जाके आ चुका हूँ लेकिन स्वाति एक बार भी नहीं गई है, तो कास पठार हम लोग चल रहे हैं। लेकिन मैंने अभी आपको फुटेज दिखाया, फुल ट्रैफिक जाम, घर से निकलने के बाद तकरीबन 1 घंटा हो चुका है लेकिन हम लोग कातरत में ही अटके हुए हैं और पूरा जाम लगा हुआ है, कंप्लीट जाम। बट ये तो कॉमन है, ये तो चलता ही रहेगा। जैसे जैसे हम लोग चलेंगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, स्टे ट्यून, मज़ा आने वाला है। कास पठार बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, मिनी कश्मीर भी कहा जाता है उसको क्योंकि उसके जो गार्डन्स है, उसके जो फूलों के एक ऐसे जगह है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह रहते हैं, तो वो जगह देखने लायक होगी। लेक है, वहाँ जाएंगे हम लोग और वेरी वेरी एक्साइटिंग प्लेस। आते वक्त हम लोग थोड़ा स्वीट्स लेंगे सातारा से, जिसको बोलते हैं कंदी पेड़ा। ओके, गणपति बप्पा के लिए भी, गणपति बप्पा आने वाले हैं अगले हफ्ते, तो उनके लिए भी हम लोग लेंगे। मैं उनको पूछूंगा कि क्या 3-4 दिन तक चलेगा क्या, क्योंकि ऐसा ना हो खराब हो जाए, तो 2-3 पैक हम लोग लेंगे और कोशिश करेंगे कि एक गणपति बप्पा के लिए भी लेंगे सातारा से। अगर नहीं रहेगा अच्छा तो हम लोग ही खा लेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून, ट्रैफिक फुल जाम है और रास्ता एकदम पूरा मतलब जीरो के स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। तो आई डोंट नो कितने बजे निकले, मतलब पहुंचने वाले। अभी बजे है कितने बजे, अरे शुरू हो जा मेरे भाई, 11:26, 11:30 बजे निकले हैं हम लोग। तकरीबन 45 मिनट्स के आसपास हो चुका है घर से और मैं सिर्फ आया हूँ कातरज घाट, जो एक्चुअली लगना चाहिए बस 10 मिनट। ओके, 10 मिनट का रास्ता है लेकिन 45 मिनट्स हो चुके जगह पे ही हम लोग। तो ये देखो पूरा आगे तक जाम है, कंप्लीट पैक। थैंक गॉड कि हमारे पास आईपैड है, तो आईपैड के ऊपर हम लोग जो भी वीडियोस वगैरह हैं, गाने वगैरह सुन रहे हैं। लेकिन ये सीन ऐसा ही तकरीबन 1 घंटे के ऊपर, 1.5 घंटा होने के बाद ऐसे ही चालू है। थैंकफुली हम लोग अभी पहुंच चुके हैं हाईवे के ऊपर, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन हाईवे भी देखो कितना ज्यादा, पूरा मतलब दोनों लेन्स, तीनों लेन्स भरे पड़े हैं। सैटरडे को बाहर निकलना मतलब यार एक टास्क ही है। ओके, कितना ज्यादा ट्रैफिक, हर जगह से लोग आ रहे हैं अभी, और पूरा मतलब अभी मेन रोड पे हम लोग लग गए लेकिन पूरी तरह से आप दोनों तरफ से ट्रैफिक। चलो एटलीस्ट फ्री फ्लोइंग तो हो गया, बड़े स्पीड थोड़ा सा कम हो चलेगा लेकिन एटलीस्ट गाड़ी तो चल रही है, वरना 1-2 स्पीड, 5 का स्पीड ऐसे ही स्पीड चल रहा था। चलो चलते हैं। और निकलना है ना तो एक्चुअली सुबह ही निकलना ठीक होता है, अराउंड 6 o'clock, 5:30, 6 o'clock। ये हमारा लास्ट मिनट प्लान हुआ इसलिए इतना लेट हो गया, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट टाइम कभी नहीं ऐसा करेंगे क्योंकि वो 2 घंटे निकल गए। मतलब क्या, अगर एक दिन का ट्रिप करना है और एक दिन के ट्रिप में 2 घंटे ट्रैफिक में निकल गए, तो अभी शुरुआत हुई है एक्चुअली, जस्ट हाईवे पे लग गए। तो यार आई एम श्योर आपकी सिटी में भी ऐसा ही होगा, आप जब भी निकलते होंगे, आप भी जल्दी ही निकलते होंगे, तो जो लोग नहीं निकलते सुबह निकलो। मतलब हम लोग हमेशा 5:30, 5:30 एटलीस्ट है ना 6 o'clock, तो उससे क्या होता है ना ट्रैफिक निकल जाता है, डायरेक्ट आप हाईवे पे पहुंच जाते हो, हार्डली छोटा थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहता है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप 5:30-6 निकले। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इस नोट के ऊपर हम लोग चलते हैं। अभी लेते हैं मज़ा अपनी नई गाड़ी का और चलते हैं कास पठार। Wait, you like the guy? I do. Oh yes, the prince is a really great person, you know. He treats अभी बारिश आ रही है
अपने को जितना बारिश चाहिए उतना भी अगर आ गया तो काफ़ी है, अपना ट्रिप अच्छा हो जाएगा। लेकिन बारिश आनी चाहिए यार, कंप्लीट 100% बारिश होनी चाहिए हर जगह के ऊपर पूरी इंडिया में, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। पर अभी तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं बारिश और ये गाड़ी, मतलब तूफान, मतलब मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाते हुए। ऐसा लग रहा है ना कि एकदम टैंक चला रहा हूँ मैं, टैंक। ओके, तो बोलते बोलते बारिश एकदम से गायब। लेकिन ठीक है, थोड़ा रोड गीला हो गया और बाकी ये साइड में आपने शायद देखा होगा कि बहुत ही कम पानी है। मतलब इस टाइम पे एक्चुअली ये जगह है ना, नीचे पानी बहुत भरा होता है, लेकिन ये हार्डली कुछ पानी है यहाँ पे। और ये आईपैड के ऊपर ये जो ये दिख रहा है ना नेविगेशन, ये फ़ोन के ऊपर और आईपैड के ऊपर का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। इतना अच्छा दिखता है ना आईपैड के ऊपर, पूरा कैप्चर करता है, पूरा कंप्लीट, आप देख सकते हो कंप्लीट प्रॉपर नेविगेशन दिखाता है, इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से है। ऑफकोर्स M1 चिप होने के कारण भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन मज़ा आता है आईपैड लगाने के बाद। गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें, मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम का तो कोई टेंशन ही नहीं है। अभी हम लोग मूवी देख रहे थे नेटफ्लिक्स के ऊपर, बीच बीच में स्वाति देख रही थी, मैं तो ड्राइव का मज़ा ले रहा हूँ। और यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें चालू रहती है, नेविगेशन चालू है, सॉन्ग्स चालू है, एवरीथिंग। क्लाइमेट सच में बहुत अच्छा है यार। और हमारा जो हमने ये मैग्नेट का वीडियो बनाया था, जिसमें ये हमने मैग्नेट का पूरा ये आईपैड इंस्टॉलेशन दिखाया है, उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं लोगों के। वहाँ पे उन्होंने पूछा है कि ये स्टेबल रहता है क्या वाइल्ड ड्राइविंग, तो आप देख रहे हो बिल्कुल स्टेबल है, ये बिल्कुल फिट बैठा है, कोई भी हिल नहीं रहा है या कुछ ऐसे इसमें वाइब्रेशंस नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम फिट बैठा है। ये मैग्नेट्स इतने अच्छे तरह से बैठ गए हैं और इस पे आईपैड इतने अच्छे तरह से फिट हो गया है, सिर्फ चिपकाने का है बाकी, मतलब जब से लगा है एक इंच भी नहीं हिला है, बिल्कुल वाइब्रेट नहीं होता है, बिल्कुल स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है और दिखता भी बहुत अच्छा है इसमें। इनफैक्ट बाहर से कोई देखेगा तो सबको ऐसा लगेगा कि गाड़ी का ही पार्ट है, जब तक आईपैड नहीं बोलेंगे तब तक सब, मतलब आजकल तो बहुत सारे बड़े बड़े स्क्रीन्स दिखते हैं ना कार के अंदर, लेकिन ये होने के बाद कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक मैं इस वीडियो के नीचे जरूर देखूंगा कि मैंने कैसे मैग्नेट्स लगाए, तो जरूर वो वीडियो देखिए। अगर आपके पास कोई भी टैबलेट है, ऐसे नहीं कि आईपैड ही चाहिए, कोई भी टैबलेट आपके पास हो, सैमसंग का हो या फिर वन प्लस का हो या कोई भी कंपनी का हो, ओके, वो आप गाड़ी में लगा सकते हो। अगर आपके पास कार है और इंफोटेनमेंट सिस्टम आप चेंज करने के लिए देख रहे हो, बेटर ऑप्शन इसकी ऐसा कुछ करें, क्योंकि इसका म्यूज़िक सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है। सिर्फ स्पीकर बदल दीजिए, अच्छे से आप एम्पलीफायर लगा लीजिए, आपका सारा आवाज़ भी हो गया और जो चाहिए आप देख सकते हो गाड़ी के अंदर। ये आ गया जी अपना सातारा का फेमस घाट। इस घाट के ऊपर गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, क्योंकि बहुत सिंपल छोटा सा घाट है, लेकिन मज़ा आता है इसके ऊपर गाड़ी चलाने के लिए। बस थोड़ा अगर ट्रैफिक कम होना तो गाड़ी एकदम स्विंग स्विंग एकदम इधर उधर से निकल जाती है, ट्रैफिक हो तो थोड़ा स्पीड उधर उधर हो जाता है, अदरवाइज मज़ा आता है इस घाट के ऊपर। बट एनीवेज ट्रैफिक आज बहुत है यार, सुबह से ट्रैफिक लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं सब लोग, आज ही का दिन मिला है सबको। बाय द वे इस यहाँ पे जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ना, वहाँ पे नेचर बहुत होने वाला है, तो इस वीडियो में बने रहना क्योंकि बहुत सारा सीनरी आपको देखने मिलेगा। और अगर आप महाराष्ट्र में हो और अगर आप कास नहीं आए हो, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, कास पठार ज़रूर एक बार जाना बनता है। ओके, मेरा पहले जो मैंने बोला था स्वाति को कि चलो आज कहीं चलते, तो आई डिसाइडेड कि हम लोग चलते मार्शेस घाट, वहाँ पे भी एक्चुअली मज़ा आता है, लेकिन बारिश चाहिए। मार्शेस घाट में अगर बारिश नहीं होगा ना तो फिर जाने का मज़ा नहीं है। ओके, दूसरा मेरा प्लान था कि चलते हैं माथेरान। ओके, लेकिन माथेरान के लिए जाने के लिए ना अगेन काफ़ी सारा वॉकिंग रहता है, तो उधर स्टे करना ही अच्छा है। और मैं ये नहीं चाहता था, मैं रात को वापस आ जाना चाहता था, क्योंकि आई एम अ क्रिकेट लवर और मैच तो मैं छोड़ नहीं सकता भैया। हाँ, मेरे पास आईपैड है, सब कुछ है, हम लोग मैच वहीं पे भी देख सकते थे, लेकिन नहीं, थोड़ा एक अलग माहौल घर के अंदर बैठ के, थोड़ा बड़ा स्क्रीन के अंदर जब आप मैच देखते हो ना तो मज़ा अलग आता है। ओके, तो इसलिए हमने सोचा कि ऐसा कुछ जगह, तो फिर मैंने यार 130-150 किलोमीटर ही है कास बामनोली, तो वहाँ चलते हैं, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ चलेंगे कास। यहाँ पे एक्चुअली बाइक होगा ना, अगर आपके पास अच्छी सी बाइक है, ओके, एक्स पल्स हो या फिर KTM हो या फिर डोमिनोर हो या बुलेट हो,
तो कास जाने के लिए बहुत मजा आता है, क्योंकि ऊपर की जो रोड्स है ना वो बहुत सुंदर है, और नेचर के अंदर आप गाड़ी जब चलाते हो ना तो अलग ही मजा आता है। ये इस गाड़ी के अंदर फोर व्हीलर में भी मजा आता ही है, लेकिन टू व्हीलर का एक अलग मजा है, क्योंकि वहाँ का जो रास्ते में जो हवा लगती है ना चेहरे के ऊपर, वो जो ब्रीज रहता है ठंडा ठंडा, थोड़ा थोड़ा बारिश गिरता है, उसमें बाइक चलाने का मजा ही कुछ आ रहा है। गियर अच्छे से गियर पहन के सारा बाइक के ऊपर अच्छे से, अगर आपके पास बाइक हो तो प्लीज प्लान, मजा आएगा आप लोगों को, मजा आएगा। ओके, ऊपर का जो लेक है ना वो लेक तो बहुत सुंदर है। बाकी अपने गब्बर जो है ना इतना जबरदस्त है, इतना ज्यादा पावरफुल है गाड़ी ना ये, कि मैं क्या बताऊं आपको। मैं एक रिव्यू बनाने वाला हूँ गाड़ी का। ओके, अभी एक रिव्यू तो मैंने बनाया था, लेकिन प्रॉपर एक रिव्यू बनाने वाला मेरा जो एक्सपीरियंस है। तो अगर आप कोई ऐसी गाड़ी प्लान कर रहे हो तो ज़रूर आपको उसमें हेल्प होगा, मेरा जेन्यून फीडबैक होगा उसके ऊपर। ओके, क्योंकि मैं लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि सारे कार मैंने यूज़ किए, तकरीबन 15-16 कार हो गए अभी तक, और ये अपनी जो गाड़ी है फर्स्ट SUV है, तो इसका एक्सपीरियंस मैं उस वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, पूरे गाड़ी के डिटेल्स सब कुछ, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना आप। तो कुछ कर ही नहीं रहा मैं, थर्ड में गाड़ी है और एकदम इतने चढ़ान के ऊपर एकदम इजीली, मतलब थोड़ा एक्सीलेटर दिया तो गाड़ी है ना ऐसे घोड़े के जैसे भागती है एब्सोल्युटली। देखो मैंने कोई गियर नहीं चेंज किया, अभी स्पीड भी कम हुआ था, तो जनरली कार में ना आपको सेकंड लेना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं, थर्ड के ऊपर गाड़ी रखा है मैंने। ओके, और गाड़ी जो है ना एक ही मस्त एकदम थोड़ा सा एक्सीलेटर पे पैर दिया, गाड़ी एकदम से भागती है, क्या टॉर्क है गाड़ी में। चलो यहाँ पे हम लोग स्वाति को एक सवाल पूछते हैं। स्वाति, शादी से लेके अभी तक कितने कार हो गए, सारे कार्स आप बताओ कि कितने कितने कार्स हो गए, जरा बताओ, देखते हैं कि कौन सी गाड़ी ली है। तो फर्स्ट फिएट, वो तो डैड का था, मतलब घर पे थी वो गाड़ी, बट वो फर्स्ट कार थी, करेक्ट। फर्स्ट कार फिएट, सेकंड वाज सीएलओ, यस द बेस्ट कार, आज तक की बेस्ट कार सीएलओ, ड्यू की सीएलओ थी हमारे पास, जो तकरीबन 4 साल तक चलाया मैंने, और वो क्या गाड़ी थी, वो एरोप्लेन था, एरोप्लेन, वंडरफुल कार। तीसरा हमारा था पैलियो, करेक्ट, छोटा कार, छोटा सेडान, वो बट हमने बहुत कम यूज़ किया, क्योंकि आई डोंट नो, वो बहुत कम यूज़ किया हमने, उसके बाद वो इसलिए कम यूज़ किया क्योंकि उसका एवरेज यार 7-8, मतलब उससे अच्छा तो BMW यूज़ करना। ओके, इतना कम एवरेज पैलियो का, मतलब क्या बताओ आपको। हाँ, तो पैलियो के बाद था जेन, यस जेन, मारुति जेन, यस अगेन वंडरफुल कार, करेक्ट। उसके बाद हमने ओपेल कोर्सा, उसके बाद ओपेल कोर्सा लिया। आपको अगर ओपेल कोर्सा पता है, वो भी एक बहुत ही सुंदर ग्रे कलर की हमारी कार थी। ऑफ कोर्स उस टाइम हम लोग यूट्यूब वगैरह बिल्कुल नहीं बनाते थे, लेकिन उसके अंदर भी बहुत हम लोग घूमे, लेकिन ओपेल कोर्सा सेल, ओके, कोर्सा सेल, सेल मॉडल, ओके, बहुत सुंदर दिखती थी, बहुत ही अच्छा कम्फर्टेबल, और उसका इंटीरियर इतना सुंदर था ना। यस, उसके बाद SX4 और होंडा सिटी, SX4 मारुति का हमने लिया, बट यार ब्रांड न्यू कार, अगेन 6 महीने में मैंने बेच दिया, आई एम सॉरी मारुति, मुझे यार मारुति के अंदर के जो प्लास्टिक है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं यार, सिर्फ प्लास्टिक, लेकिन जेन ऐसी नहीं थी, जेन बहुत अच्छी थी, बट ये SX4 कार है ना, मतलब पूरा अंदर से ऐसा लग रहा है प्लास्टिक से ही घेरा हुआ है हम सबको, और मुझे वो उसका परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा नहीं लगा, सो वी सोल्ड दैट कार इन 6-7 months, एंड उसके बाद थी होंडा सिटी, व्हिच आई डिडंट लाइक, मुझे बिल्कुल वो गाड़ी पसंद नहीं थी, मुझे बहुत पसंद थी होंडा सिटी, इतनी पसंद थी ना कि मतलब उस टाइम मैं बॉम्बे में जॉब करता था और मेरा रिकॉर्ड है उस कार के ऊपर, होंडा सिटी, वो डॉल्फिन वाली नहीं, उसके पहले की जो मॉडल थी ना होंडा सिटी, जो प्रॉपर पहला मॉडल आता था, वो मॉडल था मेरे पास, और मैं वहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस में मुंबई में काम करता था, और जब भी फ्राइडे होता था ना तो फ्राइडे नाइट मैं मुंबई से पुणे आता था, और मेरा एक टाइम का रिकॉर्ड है कि मुंबई पुणे का जो टोल नाका है ना, टोल नाका मतलब मुंबई से अगर निकले आप तो पहला टोल नाका जो आता है मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे, उस एक्सप्रेस वे से लेके सेकेंड एक्सप्रेस मतलब टोल तक, फर्स्ट टोल से लेके सेकेंड टोल तक मेरा रिकॉर्ड है, मैंने 35 मिनट्स में
35 मिनट्स में मैंने सेकंड टोल नाका को ये क्रॉस कर दिया। मतलब इतना तेजी 170 180, इतनी गाड़ी स्टेबल थी ना वो। ऑफ कोर्स मैं जब आता था तो रात को ऑफिस के बाद आता था, तो दैट टाइम 2 बजे 1 बजे ऐसा निकलता था मैं रात को, क्योंकि ऑफिस ही मेरा बहुत लेट तक चलता था 11 बजे तक। तो बॉम्बे से विटी में मेरा ऑफिस था, एक्सप्रेस बिल्डिंग नरीमन पॉइंट, तो वहाँ से लेके पुणे आने तक काफ़ी टाइम लगता था। और एक्सप्रेस वे पे लेकिन मेरा 35 मिनट्स का रिकॉर्ड है, मैं जो आज तक मैं तोड़ नहीं पाया। किसी कार ने मुझे वो ये नहीं किया, कॉन्फिडेंस नहीं दिया उतना, लेकिन उस गाड़ी में पता नहीं स्वाति को गाड़ी क्यों पसंद नहीं थी। लोल वंडरफुल वंडरफुल कार। उसको भी फिर बाद में ऑफकोर्स 2-3 साल के बाद मेरा ये होता है कि यू नो आई सेल द कार्स, तो वो भी शायद 3 साल में मैंने बेच दिया, हमने वो बेच दिया। बाय द वे बात करते करते सातारा में जो आप देख रहे हो ना ये ट्रैफिक, घाट के अंदर ट्रैफिक है ये। ओके उसके बाद नेक्स्ट कार आफ्टर होंडा सिटी फोर्ड आइकॉन। फोर्ड आइकॉन अगेन बेस्ट कार, फोर्ड ब्रांड मुझे बहुत पसंद है। फोर्ड सेफ्टी वाइज कंफर्ट वाइज फोर्ड की गाड़ियां जो होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती थी। करेक्ट, फोर्ड आइकॉन भी हमने बहुत यूज किया, उसमें बहुत ट्रैवल किया हमने। घोड़ा मतलब टॉप क्लास 1.6 आइकॉन फोर्ड की। और उस टाइम उस कार का जो क्रेज था ना, मतलब लोग देखते थे कि यार कितना गाड़ी मतलब आइकॉन होता था तो मजा आता था उस टाइम। आई एम श्योर आप लोग रिलेट कर पाओगे जिन जिन लोगों के पास आइकॉन होगा, या उस टाइम आपको भी लगता था यार एक आइकॉन गाड़ी अपने पास होनी चाहिए। मैंने ली थी वो गाड़ी, फैबुलस कार, वो भी अगेन 3 इयर्स हमने यूज किया। उसके बाद देन हमारा फोर्ड फिगो, अगेन छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बड़ा धमाका, वो ब्रांड न्यू गाड़ी थी फोर्ड फिगो। फोर्ड फिगो डीजल टॉप एंड वर्जन हमने लिया था, टाइटेनियम मॉडल एकदम टॉप क्लास, मतलब बहुत ही सुंदर थी वो गाड़ी। वो हमने उसमें हमने पहली बार गोवा जो किया था वो हमने आई रिमेम्बर, उससे पहले हमको गोवा जाने के लिए 8 घंटे लगते थे, और उस गाड़ी में पहली बार हमने गोवा 6 आवर्स में कवर किया है। मतलब घर से जब से स्टार्टर मारा है तब से गोवा टच हमने 6 आवर्स में किया है उस गाड़ी में पहली बार। और उसकी उस गाड़ी का एक एडवांटेज ये है ना कि वो गाड़ी का जो मतलब जो बेस है जिस फ्रेम के ऊपर वो बॉडी बैठी वो फोर्ड फिएस्टा के ही फ्रेम पे है। वो गाड़ी है हैचबैक लेकिन उसी फ्रेम के ऊपर वो गाड़ी बैठती थी, और उसका जो इंजन था वो फोर्ड फिएस्टा का इंजन था। और वो क्या इंजन, मतलब आज भी मैं कभी कभी सोचता है वो गाड़ी नहीं बेचना चाहिए था मेरे को, क्योंकि सिटी में है ना वो इतना छोटा सा गाड़ी, मतलब बाहर से छोटा लेकिन अंदर से बहुत बड़ा, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस गाड़ी में बैठने के बाद कि आप एक सिडान में सॉरी आप एक हैचबैक में बैठे हो, आपको फील सिडान का ही आएगा। ओके पावरफुल इंजन, एकदम स्टेबल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगेन मतलब हम लोग फैन हो गए थे कि ये ना ऐसी गाड़ी चाहिए यार इसी, मतलब फोर्ड का तो आइकॉन के ऊपर तो मैं फैन बन ही चुका था, लेकिन इस गाड़ी ने भी मुझे बहुत साथ दिया। एंड देन अगेन वो भी कार हमने 4 साल में बेच दिया, और उसके बाद वी गॉट हुंडई वर्ना। करेक्ट, वो भी इतना खास हमको मतलब दिया नहीं उसने इतना अच्छा सर्विस, सबसे मतलब इतना अच्छा जब से मतलब यूट्यूब हमने उस टाइम से चालू किया था। Correct. लेकिन वरना का कभी हमको रास्ते में तकलीफ बिल्कुल नहीं दिया गाड़ी में, एब्सोल्युटली। बट उसका जो आवाज आता था ना बीच बीच में थोड़ा, मतलब मुझे यार क्योंकि फोर्ड का जो मेरा फील था ना वो फील को होंडाई कार नहीं कंपेयर कर सकते आप होंडाई को। यस इंजन ट्यून्ड है, ज़्यादा मुझे रिफाइंड लगता था कंपेयर टू फोर्ड, और लेकिन स्टेयरिंग में बहुत फ़र्क पड़ा मेरे को, क्योंकि फोर्ड का जो स्टेयरिंग का जो थोड़ा सा हार्डनेस है ना वो इस गाड़ी में बहुत ही स्मूथ, मतलब इतना स्मूथ भी नहीं चाहिए आपको, थोड़ा तो ऐसा एक कंट्रोल चाहिए, थोड़ा सा आपको लगना चाहिए कि यार कुछ तो फीडबैक दे रहा है स्टेयरिंग। ओके वो फीडबैक ही नहीं था, मतलब आप एकदम हल्के में से इधर उधर जाने के लिए अगर आप थोड़ा भी झटका लग गया ना तो इधर उधर गाड़ी जा सकती है। तो कॉन्फिडेंस कभी मुझे वरना के अंदर नहीं आया। ऑफकोर्स गाड़ी बहुत चलाया हमने उसको भी, बहुत सारे ट्रिप्स आपने देखे होंगे वरना के अंदर भी हमने काफ़ी सारे ट्रिप्स किए। दापोली के फैमिली के साथ गया था, बहुत सारे ट्रिप्स किए, मतलब नॉट ओनली ऐसा नहीं, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं था उस गाड़ी के अंदर, और इतना ठीक अच्छा लगा नहीं गाड़ी, अच्छा लगा नहीं। तो कितने कार्स हो गए टोटल, कितने कार्स हो गए, थोड़ा सा फाइनल काउंट करते हैं हम लोग। फिएट, उसके बाद सीएलओ, Valio, SX4, then Zen, Corsa Sail,
Corsa Cell 6, then Ford Icon, Ford Icon 7, Ford Icon ke baad Ford Figo 8, Figo ke baad Verna 9, और ये अभी ये गब्बर 10, ये 10 गाड़ियां हो गई। अरे नहीं, मुझे लगता था कि ज्यादा हो गए यार, मैं तो ज्यादा लगता था। ओके okay, 10 ही हो गए, ओके बट ये 10 है ना, ये तकरीबन 20 साल का कैलकुलेशंस है। तो बट 20 साल में 10 गाड़ियां इज नॉट बैड यार, मतलब और क्या चाहिए। करेक्ट, और अभी ये जस्ट हमने लिया, आपको तो पता ही है कि ये गाड़ी अभी लेके अपने को बस 3-4 महीने ही हो गए। सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी फॉर विद अस फॉर अनदर मे बी 2 years, 2-3 साल मैक्सिमम। ओके, इसके बाद का जो अपना सपना है ना ज़रूर पूरा होगा। एंड मतलब मैं बता ही देता हूँ कि मेरा नेक्स्ट गाड़ी जो है वो ड्रीम गए वो करने ही वाले हम लोग, और जल्दी करने वाले। थिंग्स आर लुकिंग गुड, सब कुछ सेट है, और वो गाड़ी हम लोग ज़रूर ले सकते हैं, और वो होगी डिफेंडर। ओके, इट्स गोइंग टू बी ऑसम, धमाल आने वाला है, और वो गाड़ी जल्दी आएगी। वो गाड़ी उसके बाद फिर जो गाड़ी आएंगी उसका तो मज़ा ही अलग होने वाला है, क्योंकि आई एम अ कार लवर। ओके, बाइक्स भी प्लान में है, लेकिन इतने नहीं, बाइक्स लूँगा मैं, 2-3 बाइक्स का प्लान है। लेकिन जो नेक्स्ट गाड़ी आने वाली है ना, इट्स गोइंग टू बी डायरेक्टली, क्योंकि एसयूवी इसलिए लिया, वो फील चाहिए था, तो ये तो एसयूवी है, लेकिन जो डिफेंडर का मज़ा होगा वो अलग ही होगा। ओके, सो मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा सा बातें करते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक छेड़ा कि गाड़ी कितनी कितनी थी। ओके, हो सके तो मैं मेरे गाड़ी के जितने भी फोटोग्राफ्स रहेंगे ना, मेरे पास है फोटोग्राफ, ऐसे नहीं कि नहीं है, वीडियो शायद कम रहेगा, क्योंकि वीडियो हम लोग ज़्यादा निकालते नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा यूट्यूब नहीं करते थे, तो इट वॉज मोरली फोटोग्राफ्स। तो अगर सारे कार्स की फोटोग्राफ्स होंगी तो मैं बीच बीच में जैसे जैसे बोला वैसे वैसे डालता रहूँगा आप लोगों को। ओके, तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं अभी, चलो। बारिश एकदम गायब, फुल धूप, एकदम कड़क धूप आ गई यार। ओके, मैं चाहता हूँ कि ऊपर जाने के बाद है ना थोड़ा तो बारिश पड़े, थोड़ा सा क्लाइमेट अच्छा सा हो, तो ऊपर ज़्यादा मज़ा आएगा। बट अभी हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, अनदर आई थिंक 15 मिनट्स में पहुँच जाएंगे हम लोग। ओके, पुणे में स्टार्टिंग में ही ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, लेकिन मुझे याद है कि जब हम लोग सुबह सुबह जल्दी निकलते हैं ना, सातारा पहुँचने के लिए मुझे कितना टाइम लगता है, 1.5 आवर्स मैक्सिमम, 1.5 आवर्स। और पता नहीं अभी ऐसा लग रहा है कि चलते ही जा रहा हूँ मैं, चलते ही जा रहा हूँ, रोड ही ख़त्म नहीं हो रहा है। एनीवेज, धूप छाओ, लेकिन धूप कंटिन्यूस धूप है। गाड़ी को डाला है मैंने अभी क्रूज कंट्रोल पे, ये है क्रूज कंट्रोल, एंड दैट्स इट। मेरे पैर अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्टीयरिंग को हिला रहा हूँ मैं, और गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही है। तो जी आ गया सातारा का टोल नाका, कहाँ पे लगाओ, गारंटी के साथ जहाँ पे भी लगाता हूँ ना वहीं पे ट्रैफिक जाम होता है। चलो यहीं पे देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये है सातारा सिटी। ओके, और कास पठार जो है ना वो शायद ये जो पहाड़ है ना यहाँ पे कहीं है। ओके, यहाँ पे जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं ना वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। लेट्स सी। ओके, तो अभी है ना, अरे भैया रुक, किधर जा रहा है अभी, राइट टर्न। ये सातारा में हम लोग आ चुके हैं, एंड यहाँ से मुझे राइट टर्न दिखा रहा है। सो अभी हम लोग चलते हैं राइट, एंड देन देखते हैं कि कैसे रोड है, क्या है, होपफुली रोड्स वगैरह अच्छे रहेंगे। और अपनी गाड़ी को भी आज टेस्टिंग करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये तो सेमी ऑफ रोडर है, और हमने आज तक कभी सेमी ऑफ रोड नहीं किया इस गाड़ी के ऊपर, जो भी है हमने रोड पर ही गाड़ी चलाई है। तो देखते हैं मिलता है क्या चांस। ये मेन हाईवे से ही जब आप आते हो ना, तो मेन हाईवे से आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा, एक जगह आती है वो, एक्चुअली जो अपना गूगल है वो तो बराबर दिखा ही रहा है। लेट्स सी। भैया सातारा सिटी काफ़ी डेवलप हो चुका है, मैं जब लास्ट टाइम आया था तो ये उससे तो काफ़ी बेहतरीन है। हम लोग सातारा में काफ़ी बार आते हैं, लेकिन बाहर के बाहर निकल जाते हैं, मतलब हाईवे से कोल्हापुर से सातारा, सातारा से पुणे, लेकिन सातारा के अंदर मैं बहुत सालों के बाद आया हूँ।
अरे बारिश ये दिखा रहा है अभी भी 38 मिनट्स दिखा रहा है क्योंकि सातारा तो पहुंच गए लेकिन इसके आगे अभी भी आप देख रहे हो 37 मिनट्स दिखा रहा है. Continue straight through Shahu Chow. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग अपना फर्स्ट वीडियो जो है वो एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया वीडियो. ओके सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड. मैं इमीजिएटली वीडियो डालने वाला हूँ इस वीडियो के बाद. स्टे ट्यून्ड क्योंकि ये वीडियो जो है नेक्स्ट वो ज़बरदस्त है. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.